पढ़ेंगे 1 to 10 नंबर्स रिवीजन। 1 to 10 कितने सिर, 1 to 10, 1 to 10 नंबर्स का हम आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। उनको आज हम देखेंगे 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, और इस पूरे यूनिवर्स में या ये पूरे वर्ल्ड में 1 क्या चीज़ें हैं, आज हम वो सब देखने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग सब अपने अपने घरों में अपना वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है। और ध्यान से देखना बच्चों, और पढ़ने की कोशिश करना कि मैम आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं 1 ये क्या है, सन। सन मीन्स सूर्य, सूरज, क्या सूरज या सन। ये कितना है पूरे वर्ल्ड में, 1 ही है। क्या है पूरे इसमें, 1 ही है, एक ही है ये, ठीक है ना, ये एक ही है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, 1, क्या लिखा हमने, 1। अब ये क्या है, 2, 1 after 2, 2 क्या है हमारे, 2 आईज, क्या है ये हमारे, 2 आईज, यानी कि हमारी आंखें कितनी है, सिर्फ 2, कितनी है 2, अपने फिंगर्स पर आप काउंट कर सकते हो, 1 2, कितनी आईज है, 2, 1 2, आया समझ में, 1 सन, 2 आईज। अब ये क्या है, फ्लावर। अब हम देखते हैं फ्लावर मीन्स फूल। एक पेड़ पर बहुत सारे फूल भी लगते हैं और थ्री भी लगते हैं। तो ये देखो हमने कितने फ्लावर्स लिखे हैं, 1 2 3, काउंट करो, 1 2 3, ये 3 हमने यहाँ पर लिखा है। अब 3 after 4, 3 after 4, तो 4 क्या लिखे है, 1 2 3 4, और ये 4 क्या है, व्हील, व्हील यानी गाड़ी के जो पहिया रहता है ना गाड़ी का, वो कितने रहते हैं, 4, कितने रहते हैं वो, 4, एक गाड़ी में 4 पहिया रहता है, 4 से भी ज़्यादा रहते हैं। पर हमारे घर के सामने गाड़ी अगर खड़ी है तो हम काउंट करने जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, 1 2 3 4, अब 4 after 5, 4 के बाद क्या आता है, 5, तो हमारे वन हैंड फिंगर, 1 2 3 4, 4 फिंगर एंड 1 थंब, टोटल काउंट 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, 5। एक हाथ में हमारे कितने फिंगर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 4 फिंगर एंड 1 थंब मिला करके 5, कितने दिख रहे हैं, 5, कितने दिख रहे हैं, 5, 5 फिंगर से हमारा एक हाथ बन गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 after 6, 5 after 6, 6 हमने यहाँ पर लीव लीज मतलब पत्तियां ली है, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर 6 कैसे लिखेंगे, ये सामने 6 लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, 6 after 7, 7 क्या है, स्टार, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7, कितने हैं स्टार, 7। जब हम कभी बाहर रात को निकलेंगे, अगर हम आसमान में देखेंगे तो आसमान में हमको 7 स्टार एक जगह इकट्ठा हुए दिखते हैं, आप देखना और आपको काउंट करना, ठीक है। अब 7 after 8, 7 after 8, अब 8 हमारे पास स्टिक्स मार,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 क्या है? ये नंबर आ गया 8. क्या है? 8 स्टिक. अब ये देखेंगे हम 8 आफ्टर 9. अब 9 को हम कैसे लिखेंगे और उसमें हम काउंट करते हैं. 9 क्या है? यहाँ पर हमने चित्र में क्या दिया है? मैंगो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 क्या हो गया? 9 मैंगो. फिर ये क्या है? फिर 9 आफ्टर 10. तो हमने यहाँ पर हमारे दोनों हाथों के फिंगर्स लिए हैं. ये रहे, कितने हो गए? 10. अब आप काउंट कराओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितने फिंगर्स हो गए? 10. टोटल 2 हैं 10 फिंगर्स. 2 हैं 10 फिंगर्स. ठीक है. अब हम यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें और कितनी कितनी है. अब हम इसको कैसे लिखते हैं वो भी हम अब देखेंगे. अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हमको कैसे लिखना है. आज हम आप वो भी सीखेंगे. अब मैं आपको बता रही हूँ. अब हमारे पास में स्क्वायर की कॉपी है. अब स्क्वायर कॉपी कैसी है? ये हमारे ऐसी लाइन खींची हुई कॉपी है. ठीक है. उसमें स्क्वायर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब देखो उसमें हम कैसा लिखेंगे. 1 लिखने के लिए हम इस लाइन को जोड़ करके लिखेंगे. 1 के लिए ऐसा एक डंडा और फिर एक छोटी सी ऐसी आड़ी लाइन. तो क्या हो गया ये 1? कैसा लिखेंगे? ये डंडा और ये ऐसी लाइन हो गया 1. अब 2 लिखने के लिए हमको स्मॉल हाफ सर्कल. हमने छोटा हाफ सर्कल आधा गोला बनाना है. हमने ये छोटा आधा गोला बनाया और फिर हमने ये छोटी सी उसको ये डंडे खींच दी. हो गया 2. कितना हुआ? 2. अब हम देखेंगे 3. 3 लिखने के लिए हमने ये स्लिपिंग लाइन खींची छोटी. फिर हमने वापस उसको ये हाफ सर्कल कर दिया. तो क्या हो गया? 3. क्या हुआ? 3. 4 लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और फिर ये स्टैंडिंग लाइन. हो गया 4. अब 4 के बाद 4 आफ्टर 5. स्लिपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल 5. फिर हाफ सर्कल और स्मॉल सर्कल अंदर, उसके अंदर करना है. तो क्या हो गया? 6. स्लिपिंग लाइन और स्वैपिंग लाइन यानी कि तिरछी लाइन देना. फिर ये हमने आड़ी लाइन ली छोटी. ये हमारा 7 हो गया. फिर 8 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 2 स्मॉल सर्कल को ये मिला देंगे. हो गया हमारा 8. आफ्टर 3 हाफ सर्कल और ये छोटा सा उसको डंडा लगा दिया. तो क्या हो गया? 9. और फिर ये वाला वन वापस हमने यहाँ नीचे ले लिया. ये 1, 0, 10. 1, 2, 10. अब हम काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आया समझ में? 1 to 10 कैसे लिखना है और वो क्या क्या है आज हमने देखा और सीखा है. ठीक.
के लिए आप बार बार देखना और मैं और आपको समझाऊंगी।